भाजपा प्रदेश पदाधिकारी की पत्नी की नियुक्ति से बढ़के कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक। प्रदेश में राज कांग्रेस का नियुक्ति भाजपा मानसिकता रखने वालों की जा रही है। इसे कांग्रेस जनों में खासा रोष देखने को मिला जब उन्होंने आज सुबह का अखबार पढ़ा। अखबार में खबर प्रकाशित हुई कि भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मुकेश जैन की पत्नी अलका जैन की उपभोक्ता संरक्षण मंच की महिला सदस्यता में नियुक्ति हुई है। इस खबर को सुनने के बाद पढ़ने के बाद अजमेर के कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। कांग्रेसजनों का कहना है कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव हो या कोई प्रदर्शन अपना पूरा जी जान लगा देता है, लेकिन जब नियुक्ति होती है तो वह नियुक्ति भाजपा मानसिकता रखने वालों की होती है। उससे कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी सभी को ठेस पहुंचती है। इसलिए आज कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री तक आवाज उठाई जाएगी और जिस तरीके से भाजपा मानसिकता रखने वालों की नियुक्तियां हो रही है उसका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि ये काम मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का नहीं है, जिले के किसी पदाधिकारी ने इस नाम की सिफारिश की होगी, लेकिन हम सभी ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री से वार्ता कर इस नियुक्ति को रद्द करवाया जाएगा और ऐसे कार्यकर्ता या पदाधिकारी की नियुक्ति करवाई जाएगी जो हकीकत में कांग्रेस की नींव मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा है। के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने का एकमात्र मकसद ये था कि जो कि सरकार के द्वारा राजनीतिक नियुक्तियाँ की जा रही हैं उनमें कहीं न कहीं भाजपा मानसिकता के लोग नियुक्त हो रहे हैं और इस बात की जाँच की हम मांग कर रहे हैं। अभी एक अलका जैन नियुक्ति हुई है जो कि उपभोक्ता मंच न्यायालय में, जो कि भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मुकेश जैन की वाइफ है, उनको नियुक्त किया है। अजमेर के शहर के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन इस बात को लेकर आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि इसकी नियुक्ति हुई कैसे, नहीं शहर अध्यक्ष जी को पता है, नहीं दोनों हारे जीते विधायकों को पता है, नहीं दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस जन को पता है कि इसकी नियुक्ति हुई किसके इशारे पे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक हमने आज हस्ताक्षर ज्ञापन तैयार किया है, उसमें मांग की है इस बात का पता किया जाए कि इस अलका जैन की नियुक्ति के पीछे किस कांग्रेसी नेता का हाथ है और कम से कम अजमेर के कुछ कांग्रेसी नेता का हाथ है, जिससे कि पता चल सके कि इस आस्तीन में कौन कौन सांप है, क्योंकि इसके कारण ही कांग्रेस कमजोर हो रही है। जहां बीजेपी के लोग अगर इस तरह के पदों पर बैठेंगे तो कांग्रेस की जो माता बहने, जो नौजवान साथी जो कांग्रेस के दिन और रात एक संघर्ष कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, धरनेर प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, वो किसके लिए जा रहे हैं, इस बात के लिए जा रहे हैं अब बीजेपी के लोग आके उन पदों पर बैठे। तो अगर इसी तरह से सरकार को पदों पर बैठाना है तो एक देवनानी जी को रिकमेंड करके उनसे मंगा लो, अनिता बघेल जी से मंगा लो, बीजेपी के अध्यक्ष जी से मंगा लो। तो फिर हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और किस कांग्रेसी नेता का हाथ है उस कांग्रेसी नेता से पूछा जाए। ये हमारे पास उसके पदाधिकारी के पत्र है, ये उनका नियुक्ति पत्र है मुकेश जैन का जिनकी धर्मपत्नी बनी है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या इस तरह के लोगों को अगर सिफारिश करते हो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी सहन नहीं करेगा और ये कांग्रेस कार्यकर्ता अब जवाब पूछेगा परमारी जी से भी और सभी नेताओं से और जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके एक शिष्टमंडल अजमेर से जाके और अवगत करा के इसी बात को लेकर मीटिंग। ठीक है सर, अभी दो दिन पहले राजस्थान सरकार की ओर से उपभोक्ता संरक्षण मंच में नियुक्तियां की गई है। इस नियुक्ति में अजमेर में एक कोई अलका रानी जैन को सदस्य बनाया गया है उपभोक्ता संरक्षण मंच में। अजमेर का एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का नेता अलका रानी जैन को नहीं जानता है। कौन अलका रानी जैन है? उनकी नियुक्ति जब समाचार पत्रों में पढ़ी तो सभी कांग्रेसजनों का आश्चर्य हुआ। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं से मालूम किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई अलका रानी जैन, अलका रानी जैन के पति भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को यदि कांग्रेस के राज में राजनीतिक नियुक्तियाँ मिलेगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो कार्यकर्ता जिसने जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो 5 साल तक दरियां बिछाई? कहाँ जाएगा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस का झंडा लेकर आम जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया? आखिर उस कांग्रेस का कार्यकर्ता का क्या दोष है जो कांग्रेस का राज आने के बाद भी उसे एहसास नहीं हो रहा कि कांग्रेस का राज आ गया? और चलिए हम नहीं चाहते कि हमें बनाएं या हमारे कहने से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो, परंतु हमारे सीने पर, हमारे कंधों पर पैर रखकर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति कांग्रेस के राज में राजनीतिक नियुक्ति लेकर आता है तो उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके विरोध स्वरूप
आज अजमेर के तमाम सक्रिय कांग्रेसजनों ने एक बैठक आयोजित की है। हमने खुलकर उस नियुक्ति का विरोध किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से इस बारे में जाकर मिलेंगे, अपनी भावना से उनको अवगत कराएंगे और इस नियुक्ति का तो विरोध करेंगे ही, साथ में उनसे मांग करेंगे कि भविष्य में जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होने वाली है उन नियुक्तियों में जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 5 साल 10 साल 20 साल कांग्रेस का झंडा लेकर काम किया है उन्हीं कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में महत्व दिया जाए, ना कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को और ना कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके आगे पीछे घूमने वाले नेताओं के बजाय कांग्रेस का जमीन का कार्यकर्ता है उसको नियुक्ति दी जाए, ऐसी मांग हम लोग करेंगे। हाँ बताइए आज क्या रहा? अभी 3-4 दिन पहले उपभोक्ता संरक्षण मंच के महिला सदस्य पद पर एक अलका जैन नामक महिला की नियुक्ति हुई है, क्योंकि वह उसका परिवार पूरी तरह से भाजपा से जुड़ा हुआ है। उसका पति भाजपा का व्यापार प्रकोष्ठ का पदाधिकारी है। इस बात को लेकर कांग्रेस जनों में बहुत आक्रोश है और उसी को लेकर आज करीबन 150 कांग्रेस जन वरिष्ठ और कनिष्ठ इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया, क्योंकि इस नियुक्ति के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अथवा उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों का ही कोई दोष नहीं है। स्थानीय किसी पदाधिकारी ने, स्थानीय किसी वरिष्ठ नेता ने इस महिला के नाम की सिफारिश की होगी, क्योंकि माननीय अशोक जी गहलोत और पायलट साहब को तो ये सपना आता नहीं है कि कौन आदमी ने अप्लाई किया है किसने नहीं किया है। इसलिए सारे कांग्रेस जन उनसे मिलकर इस बात के निवेदन करेंगे कि इस नियुक्ति को रद्द करें और भविष्य में जो नियुक्ति होने वाली है कृपया इस बात का ध्यान रखें कि कौन किसका नाम सिफारिश कर रहा है, इसको ध्यान न रखकर इसका ध्यान रखा जाए कि वास्तव में कांग्रेस के लिए कौन काम करता है, किसने पिछले 50 साल से 20 साल से 10 साल से दरियां उठाई हैं, कौन आंदोलन में आता है आंदोलन में भाग लेता है, कौन जयपुर दिल्ली या कहीं भी रैलियाँ होती हैं उसमें बसें भर के ले जाता है। ऐसे व्यक्ति को महत्व दिया जाए तो ही कांग्रेस मजबूत होगी, अन्यथा राम राजी है, जो ईश्वर करेगा वही होगा। हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कार्यकर्ता है, जो अनुभवी कार्यकर्ता है, वो दरी आगे भी दरी बिछाता हुआ ही दिखाई देता है। देखिए, हम हमेशा से इस बात का विरोध करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक हम लीडरशिप में हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक ये परिपाटी तो दूर करनी ही पड़ेगी। वो यूँ दूर करनी पड़ेगी कि मैं तो इस बात को यूं भी कहना चाहूंगा आपको कि मैं परीक्षा में बैठा बीए की परीक्षा देने, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा रोल ख़त्म, मुझे वापस से परीक्षा देनी पड़ेगी। और लीडरशिप में भी वही होना चाहिए कि जो परीक्षा में पास हो लीडरशिप वही करे, या शहर अध्यक्ष के माध्यम से लीडरशिप होनी चाहिए, शहर अध्यक्ष जैसा कहे, प्रदेश अध्यक्ष जैसा कहे या सरकार के मंत्री जैसा कहे वैसा होना चाहिए, हमारा ये मानना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का ड्राइवर, किसी के घर में काम करने वाला, किसी का धोबी और किसी का चमचा जो दिन रात रोज नेताओं के आगे पीछे बैठ रहा है उसको इनाम के रूप में आप पदों पर नवाज दें। अब मैं एक बात और बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अब ट्रांसफ़रों में भी पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी। RSS के, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी पदों पर बैठे हुए हैं, बहुत से लोगों के जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो भी मैं बता दूं आपको कि RSS की मानसिकता और भाजपा की मानसिकता के लोग हैं। हम तो मुख्यमंत्री साहब से ये भी बात कहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं कि कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो लोग कांग्रेस के लिए विश्वासघात कर रहे हैं, तो हम तो ये बात उनके सामने रखेंगे और जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे मुख्यमंत्री साहब से मिलने का और मिलकर के हमारी पीड़ा का हम उसे बखान।